इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी क्या गलतियां होती हैं जिस वजह से आपकी मोटरसाइकिल की जो क्लच स्पीड्स हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप 30 की स्पीड पर चलाइए, 40 की स्पीड पर, 70 की स्पीड पर, इससे ऊपर नहीं जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं यहां पर जिस वजह से मोटरसाइकिल की क्लच स्पीड आपकी खराब हो जाती है, वो है क्लच लीवर में फ्री प्ले ना देना। तो जो क्लच लीवर है उसमें फ्री मूवमेंट आना चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर का, ऐसा कंपनीज अपनी यूजर मैनुअल में मेंशन करती हैं, चाहे तो आप यूजर मैनुअल पढ़ के देख सकते हैं। दूसरी गलती जिस वजह से क्लच स्पीड्स आपकी मोटरसाइकिल की जल्दी खराब हो सकती है वो है कि क्लच लीवर को एकदम सडनली छोड़ देना। अगर आप क्लच लीवर को सडनली एकदम से झटके से छोड़ते हैं तो झटका है वो क्लच स्पीड्स पर पड़ता है, जिस वजह से क्लच स्पीड्स जो है वो डैमेज हो सकती है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक ही गियर पर मोटरसाइकिल को चलने देते हैं और गियर चेंज करने में उन्हें जो है लेजीनेस फील होती है, जो भी होता है मुझे नहीं मालूम, तो गियर चेंज वो नहीं करते हैं और वो क्लच का यूज करके हाफ क्लच पे मोटरसाइकिल को थ्रॉटल बढ़ाकर, एक्सीलरेटर बढ़ाकर आगे चलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक बहुत ही इंप्रॉपर प्रैक्टिस है आपकी क्लच प्लेट्स के लिए और इनफैक्ट इंजन के लिए भी, क्योंकि इससे क्या है क्लच प्लेट्स हीट हो जाती है, हीट होने से वो खराब हो जाती है, क्योंकि आप उस गियर पर है ही नहीं जो गियर उस मोटरसाइकिल को उस पर्टिकुलर स्पीड पर आगे बढ़ाने के लिए बना है।